सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है, भी 7 भी नहीं बजे हैं और मैं निकला हूँ इधर अभी जस्ट रूम से। और आज का जो प्लान है, आज का प्लान कुछ ऐसा है। अभी मैं निकल रहा हूँ शिमला के लिए और बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ, लैला रहेगी यहीं पे और मैं जा रहा हूँ बाय बस। अभी ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा बस स्टैंड या बाईपास तक, और पहले जाना है मुझे एटीएम, और फिर बातें करेंगे रास्ते में और शिमला में पहुँच के देखते हैं ज़रा क्या क्या बनता है शिमला में और क्या नहीं अपना प्रोग्राम। तो चलो भाई, और तब तक जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। सुबह सुबह का मौसम है ना, इतना फ्रेश है ना, और इतनी फ्रेश हवा आ रही है ना आगे से, मतलब एकदम से ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो रहा है कि मज़ा आ रहा है इधर सुबह सुबह। अगर डेली आए ना भाई तो क्या ही मज़ा आएगा। और आजकल तो वैसे भी मौसम जो है थोड़ा अलग चला हुआ है और अभी भी ठंड है, क्या पता शिमला में जो है बारिश वगैरह हो रही हो तो वो चलेगा, वहीं जाके लगेगा पता, क्योंकि शिमला का पता नहीं लगता कब जैसे बारिश हो रही है कब धूप निकल रही है। लिफ्ट लेने के बाद, लिफ्ट तो क्या, ऑटो रिक्शा में आने के बाद जो है मैं पहुंच गया हूँ बाईपास। और सुबह का नज़ारा देखो, इधर जो है उधर जो है थोड़ी सफाई चल रही है अभी, और बिल्कुल अभी जो है ना बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ, और जो अभी दिन में जो है बिल्कुल फुल पड़ता है ना, अभी देखो बिल्कुल जो है सुनसान है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत कम लोग जो है बाहर है। और अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम की तलाश में पहले, क्योंकि कैश मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो बस में जाना है तो भाई कैश की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मैं पहले एटीएम भी जा रहा हूँ और साथ ही साथ उसी रोड में बस स्टैंड के लिए भी निकल जाऊँगा फिर मैं। सो यार, आप लोगों को बता दूँ कि मैं शिमला क्यों जा रहा हूँ। तो शिमला जा रहा हूँ मैं, किसी फ्रेंड को जो है ना माइग्रेशन करवानी है किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के लिए, तो प्रोसेस उसका काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा भगाते हैं। तो आज जाना है वहाँ, जहाँ के लिए जो है मतलब माइग्रेशन करवानी है, और वो कॉलेज है कोटशेरा अपना चौड़ा मैदान में, जहाँ से मैंने भी कॉलेज किए, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि क्या रहेगा प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें दूसरे कॉलेज में जाके जो है उधर पता करना पड़ता है कि सब्जेक्ट जो है सेम है और सीट्स वगैरह का सीन है कि मतलब खाली है या नहीं है, तो पहले वो पता करना पड़ता है जाके। तो बस उसी के लिए आज जा रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह देंगे, बाकी क्या बनेगा फिर आप लोगों को वो भी बताएंगे। बाकी आप लोग भी चाहते हैं तो मतलब मैं बता सकता हूँ, मैंने पहले भी ले रखी है, अपने ITI में मैंने माइग्रेशन ले रखी है, कॉलेज में मैंने माइग्रेशन ले रखी है, मेरा माइग्रेशन के साथ जो है सिलसिला पुराना है। तो अभी उसी के साथ जा रहा हूँ, तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ न्यू बस स्टैंड अपने सोलन के इधर, तो आगे मिलता हूँ आप लोगों को बस में, और उसके बाद मिलूँगा सीधा जो है शिमला में ऊपर। तो अभी सुबह सुबह का नज़ारा जो है ना बस स्टैंड का कुछ ऐसा है भाई, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा है अभी, जैसे जैसे दिन खुलता जाएगा वैसे वैसे जो है इधर जो है और ज़्यादा ट्रैफिक होता जाएगा। मैं पहुंच गया हूँ अभी तारा देवी, और आप लोगों को बता दूं कि अभी जो शिमला में जो है नया कानून ऐसा है ना कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है तारा देवी हो गया, टूटू हो गया, बाकी मुझे अपर साइड का पता नहीं है, जो पहाड़ों से गाड़ी आती है वो भी मे बी जो अपना है कुफरी साइड से थोड़ा नीचे जो है वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता होगा, और 10-10 गाड़ियाँ छोड़ी जाती है ताकि जो है शहर में बीच में जो है ट्रैफिक ना लगे, और बसेस वगैरह के लिए भी स्कूल और कॉलेज के लिए जो है ओल्ड बस स्टैंड के लिए एंट्री दी गई है, बाकी जो है सारी जाती है ISBT के लिए गाड़ियाँ, और वहीं से नीचे से होके जो नेशनल हाईवे गया अपना ढली से वही जाती है गाड़ियाँ ऊपर रोडू वगैरह के लिए भी अपना। सो भाई अभी मैं पहुंच गया इधर अपने क्रॉसिंग पे, और अभी करना है इधर जो मुझे फ्रंट का वेट, आप लोगों को इधर दिखा दूँ ज़रा, ये रहा इधर जो शिमला की तरफ गया, और ये इधर ISBT के लिए जो रोड गया, ये वाली बस आई जो ISBT से, और ये रहा इधर से जो चंडीगढ़ नेशनल हाईवे आया नीचे से इधर, ये है इधर अपना कोटशेरा कॉलेज,
जहाँ पे हम लोग आया करते थे, और ये वाली बिल्डिंग जो है अभी नई बनी है, और जो पहले वाली पुरानी थी ना भाई, ये थी ये वाली। इधर हम लोग तो है, हम लोग जो है ना पुराने वाली में रहते थे, और पीछे जो है इसका मेन गेट है कॉलेज का। और आप लोगों को दिखाऊँ अगर नई बिल्डिंग जो है वो है ये इधर, आप लोगों को आगे नज़दीक से दिखा देता हूँ ज़रा। पहले बार ये वाला गेट होता था इधर एंट्री के लिए, और अब है ये, और ये भी जो है इधर कोटचेरा में नया बन गया है इधर ये वाली। और ये वाली हमारे टाइम में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, और हमारे क्लास जो है उस वाली बिल्डिंग में, और यहाँ पे नीचे जाके लगती थी। और ये जो है पूरा नया बन चुका है इधर ये, और वो रहा इधर मेन गेट इधर यहाँ का। और अभी हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन माइग्रेशन के लिए, अभी प्रिंसिपल मैम का पता नहीं है। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर 103 में, और 103 से ये रहा 103 का इधर रेन शटर। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से ISVT, और आप लोग देख सकते हो कि मौसम कितना ख़राब हो रहा है, और बारिश ही बारिश लगी हुई है भाई। जूतों के हालत ही ख़राब हो गई है मेरी जूतों की। साथ में एक लड़का है मेरे, वो बोल रहा है मैं वीडियो में नहीं आना चाहता। मैं नहीं आ सकता वीडियो में भाई। तो ये वाला है इधर से रोड जो हमारा जाता है शॉर्टकट ISVT के लिए, और ये चला गया इधर सोलन और चंडीगढ़। तो गाइस अभी मैं हूँ इधर ISVT में इधर, और मैं तो कुछ पेट पूजा कर ली जाए, और अपनी बस है थोड़ी देर में इधर से। तो अभी खाने का सामान अभी लेके आ रही है लड़की अपने साथ में, जो अपने फ्रेंड पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो है करते हैं कुछ आगे का। और आगे का बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहा जो है माइग्रेशन का है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। वो शायद मैं घर में जाके बताऊं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भड़ा का बहुत है, तो उसकी वजह से बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। यार अभी मैं आ गया हूँ अपने रोड में इधर, और शिमला से वापसी में, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी उधर। तो मैं कहा भाई हम फटाफट से फिर बस ली हम लोगों ने और आ गए। तो जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं आज, क्योंकि प्रिंसिपल मैम नहीं आए थे। और अगर माइग्रेशन का आप लोगों को कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊं, तो माइग्रेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हम लोगों को जहाँ के लिए पहले माइग्रेशन लेनी है वहाँ पे जाके पता करना है कि उधर जो है सीट वगैरह है उधर, और सब्जेक्ट मैचिंग है या नहीं है। तो पहले वो चीज़ पता करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वगैरह और सीट वगैरह दे रहे हैं वो लोग या नहीं उनके पास, या तो फुल हो फिर भी नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ तो थी हम लोगों के पास, उनके पास उन्होंने बोल दिया है कि माइग्रेशन हो जाएगी, बट आज जो है प्रिंसिपल मैम के इस पर सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आए नहीं है। तो उन्होंने बोला है आप कल आ जाओ। बाकी इसमें ऐसा है कि जो सब्जेक्ट आपके पास है, MA BA कर रहे हैं आप, BCOM या BCA ऐसी जो भी है आपका, तो उसके लिए जो भी इसका टीचर होगा ना, वो जो है मैम को श्योरिटी देगा कि, और बताएगा कि हमारे पास सीटें खाली है, तो आप जो है एडमिशन दे दीजिए। बाकी अब जो है आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जो है HPU का जो RME पोर्टल है उस पे जो है ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्टर। और अब तो माइग्रेशन जो है ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन फ़ीस हो रही है। हमारे टाइम में कुछ ऐसा था कि जब मैंने ली थी तो HPU के चक्कर काटते रहो, फीस जमा करवाओ, फिल करो, और फिर वहाँ से आप लोगों को 3 रिसिप्ट देंगे, एक आपने अपने पास रखनी है, एक स्टूडेंट होगी, एक HPU होगी, एक पुराने कॉलेज में जाएगी, 4 होती थी, और एक जहाँ पे आप माइग्रेट होके जा रहे हो वहाँ लगेगी। तो अब तो है ऑनलाइन हो गया प्रोसेस। तो उन्होंने बोला है जहाँ पे आप पहले अभी स्टडी कंटिन्यू रखी है आप लोगों ने, या स्टडी जहाँ से कर रहे हो, तो वहाँ पे एडमिशन वगैरह ले लो। तो जब जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी एडमिशन के बाद ही जो है माइग्रेशन हो पाएगी, पहले जो है न्यू एडमिशन लेंगे वो लोग, उसके बाद जो है फिर जो है माइग्रेशन होगी। तो उसके बाद बोलते आप जो है अभी एडमिशन ले के रखो और अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, फिर आपकी हो जाएगी, और आप कल आ जाओ
प्रिंसिपल मैम से जो है सिग्नेचर वगैरह करवा के और फिर एडमिशन हो जाएगी। बस इतना सा प्रोसेस है। आरएमई पे आप लोग जाके जो है पूरा देख सकते हो, आरएमई पोर्टल पे जाके क्या क्या कैसे कैसे होगा और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग जो है माइग्रेशन करवाना चाहते हो। बाकी अगर आईटीआई की अगर माइग्रेशन की बात करूँ तो आईटीआई का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हम लोगों को जो है पहले तो है, एक तो आईटीआई में पता करने पड़ेगा कि सीट है या नहीं है। उसके बाद जो आईटीआई का जो हमारा बोर्ड है ना भाई, जैसे हम लोग हिमाचल वालों का है सुंदरनगर में, तो वहाँ के लिए हम लोगों को जो है एप्लीकेशन बना के देनी पड़ेगी और उसके लिए 1000 रुपया जो है फीस कटेगी। और श्योरिटी नहीं है कि आपकी माइग्रेशन होती है या नहीं होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर कंफर्म करेगा, वो खुद करेंगे उधर से सुंदरनगर से कि यहाँ पे सीट है जहाँ के लिए आप लेना चाहते हो। जैसे किसी और आईटीआई में तो वो फ़ोन करके सारा कुछ पता करेंगे, फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा थोड़े दिनों में। अगर होती है ठीक है, नहीं तो आपके जो 1000 आपने दिए थे तो वो भी डूब जाएंगे आपके पैसे। आईटीआई का ये सीन है। बाकी आपकी जो एग्ज़ाम वगैरह है आईटीआई के, वो तो है पुरानी वाली आईटीआई में होंगे जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम जो है पहले एडमिशन ली थी। एग्ज़ाम हो गया, फीस वगैरह वहीं होगी। और कॉलेज का ऐसा सीन है, अगर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपकी सप्ली है, सेकंड में आप दूसरा कॉलेज माइग्रेट करके जाते हो, तो जो आपकी सप्ली होगी वो होगी पहले कॉलेज में। जो पहले साल का रिकॉर्ड है वो आपका पहले वाले कॉलेज में ही होगा क्लियर जो है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें एंड कमेंट में बताएं कि, और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए पूछना है तो मैं आप लोगों को वो भी बता सकता हूँ। तो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।